वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो आज की जो अपडेट है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहने वाली है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी NSW से 250 स्टूडेंट्स NSW ट्रेवल करके जाएंगे। यू कैन बिलीव दैट कि NSW ने एक पूल निकाला है, अगर उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट्स और ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर लाइक हो जाएंगे तो 250 स्टूडेंट्स को ट्रेवल करवाएंगे। और दूसरी बहुत ही बड़ी बात हम करने वाले हैं कि जो ऑस्ट्रेलियंस ने केस किया था स्कॉट मॉरिसन गवर्नमेंट के ऊपर कि हम इंटरनेशनल ट्रेवल करना चाहते हैं, वो अभी केस हार चुके हैं, एक तरीके से हार ही चुके हैं, क्योंकि वो केस अब चला गया जी होल्ड के ऊपर। होल्ड के ऊपर चला गया जी, केस कब खुलेगा उसकी बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर। और तीसरी बात करने वाले हैं जी स्कॉट मॉरिसन गवर्नमेंट यानी स्कोमो गवर्नमेंट पूरी तरह जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक्सपोज हो चुके हैं। जूलियन हिल ने एक्सपोज कर दिया जी, उनके खुद के मिनिस्टर्स ने एक्सपोज कर दिया, हर एक मिनिस्टर ने एक्सपोज कर दिया जी। उनके स्पीकर ने भी जो पिछली बार उन्होंने कहा था कि वेदर यू आर हैप्पी और नॉट बी ऑन योर स्टेटमेंट, उन्होंने भी एक तरीके से एक्सपोज ही कर दिया। और अब जब पार्लियामेंट के अंदर स्कॉट मॉरिसन जाते हैं तो बार बार स्पीकर की तरफ देखते हैं कहीं मुझे फिर ना टोक दें। तो आखिरी बात करेंगे हम बॉर्डर्स के ऊपर कि व्हेन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर गोइंग टू ओपन, व्हाट इज द करेक्ट सिचुएशन व्हेन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर गोइंग टू ओपन। हम अपनी कंट्री इंडिया से स्टार्ट करेंगे जी, हालात बहुत ही ज्यादा सुधरते जा रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ी अपडेट उससे पहले बताना चाहूंगा कि इंडिया के साउथ साइड से एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट आ रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कि उनको ट्रेवल करवाएंगे, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। बिना कोई देर लगाते हम शुरू कर रहे हैं हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है डायरेक्ट NSW से। NSW ने बोला है कि वी आर गोइंग टू फ्लाई द 250 स्टूडेंट्स ऑन द चार्टर फ्लाइट इन NSW इन द नेक्स्ट कमिंग सेमेस्टर। आने वाले सेमेस्टर के अंदर NSW के अंदर 250 स्टूडेंट्स जाएंगे, ऐसा उनका कहना। और ये डिपेंड करता जी आपके वोट के ऊपर, अगर आप वोट करेंगे तभी ही वो स्टूडेंट्स ये ट्रेवल कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया कि हजार लाइक हो या फिर 1000 रीट्वीट्स के बाद या 1500 रीट्वीट्स के बाद ही हम ये स्टेप लेंगे कि 250 स्टूडेंट्स को इंटरनेशनली ट्रेवल करवाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। काफी लोगों ने जी कमेंट करने शुरू कर दिया, ऑस्ट्रेलियंस को बुलाओ, स्टूडेंट्स को बुलाओ जी। आप स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे होंगे कितने कमेंट आपको शो हो रहे हैं, लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए। सो आपकी भी ड्यूटी बनती है जी, आप एक तो वोट करें यस के ऊपर क्लिक करके, अपना कमेंट करें उस नीचे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ऑस्ट्रेलियंस को प्रायोरिटी मिलती आई है, इंटरनेशनल स्टूडेंट को कोई प्रायोरिटी नहीं मिली। पर दिस इज द राइट टाइम टू गिव इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रायोरिटी। बहुत खुशी की बात है कि NSW ने ये स्टेप लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि NSW की जो प्रीमियर है ग्लेडी वो जल्दी से जल्दी स्टेप लेंगे और इंटरनेशनल स्टूडेंट को ट्रेवल कराएंगे। और आपके साथ मैं NSW का जो प्लान था 600 बेड वाला उसकी भी डिटेल बताना चाहूंगा आपको, क्या वो प्लान था, कैसे करना था। और जो 600 बेड है वो सिडनी नॉर्थ के अंदर इनका एक इन्होंने बिल्डिंग ली हुई है, उसके 24 अपार्टमेंट है, उसमें ये किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 12 या 12 अपार्टमेंट में 600 बेड लगाएंगे या कैसे कितने अपार्टमेंट में 600 बेड लगाएंगे वो ये डिसाइड कर लेंगे। 24 स्टोरीज बिल्डिंग है जी, सिडनी नॉर्थ के अंदर है, उसके अंदर वेंटिलेशन पूरी तैयार कर ली है इन्होंने और उसके अंदर बेड्स लगाने हैं इन्होंने। जो सारी प्रिपरेशन है उसकी इस तरह से करने है कि कॉन्टैक्ट लेस कमरे हर एक, मतलब रोबोट्स हैं इन्होंने डिजाइन किए हैं रोबोट्स, वो मतलब कॉरिडोर के अंदर बार बार जो है वो घूमेंगे ताकि चेक कर सकेंगे कि कोई अपने रूम से बाहर तो नहीं निकल रहा। जो स्टूडेंट्स वहां पे आएंगे रुकेंगे उनको फूड भी उन रोबोट्स के थ्रू ही दिया जाएगा ताकि जो है जी बिल्कुल कॉन्टेक्ट ना हो सके इनके साथ, ताकि बिल्कुल कॉन्टेक्ट रहे सारा सिस्टम रहे। थोड़ी सी डिटेल ये शेयर की है NSW की तरफ से। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्लान भी सारा शुरू हो जाए, 250 वाले स्टूडेंट 250 स्टूडेंट्स भी चले जाए और 600 बेड वाला प्लान भी तैयार हो जाए ताकि स्टूडेंट्स का रिटर्न इसी साल शुरू हो जाए, क्योंकि इंडिया के हालात भी अब सुधरते जा रहे हैं डे बाय डे। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं जी, फेडरल कोर्ट रिजेक्ट्स चैलेंज टू ऑस्ट्रेलियाज इंटरनेशनल ट्रेवल बैन। ये जी अब ये बैन इनका तो इन्होंने चैलेंज किया था कि हमें ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकलने दिया जाए इंटरनेशनल ट्रेवल करें, वो जी फेडरल कोर्ट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, उसको होल्ड पे डाल दिया जी। सेक्शन 478 के तहत इस लॉ को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जी, क्योंकि वो कहते हैं, क्योंकि स्कॉट मॉरिसन ने जो अपील डाली थी वो थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाएंगे तो कोरोना वायरस लेके आएंगे। ये बहुत ही सही बात है कि अब मैं इसको इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ रिलेट करूंगा, तुम्हारे पहले जो स्टैंडर्ड ओसीज है वो आ नहीं पाए और तुम बाहर जाने की बात कर रहे हो, तुम बाहर जाते रहोगे और फिर एग्जामिनेशन लगवा के आते रहोगे तो फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट कहां जाएंगे, उनके लिए कौन सोचेगा। अगर तुम्हारी तरफ ऑस्ट्रेलिया का ध्यान रहेगा फिर हमारी तो मतलब जिंदगी बर्बाद है, हमने तो अपना इतनी फंडिंग भी लगाई है, स्टूडेंट वीजा गेन किया और हमारा क्या होगा। सो दी पहले ये जॉर्ज हंट जो इनके मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने कहा था भी ऑस्ट्रेलियंस को बाहर निकलने ना दिया जाए ताकि वो अपनी कंट्री के अंदर सेफ रहे और उनकी वैक्सीन पूरी हो सके। ये अब जो है जी ये प्लान सारा समझ आया जाके, बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। 477 और 470
48 एक्ट के थ्रू जो बायो सिक्योरिटी का इनका एक्ट है उसके तहत ये जो सारा केस है इनको इसको अपहोल्ड कर दिया गया फेडरल कोर्ट की तरफ से, ताकि जो है जी इंटरनेशनली इनको ट्रेवल करने ना दिया जाए और ये अपने कंट्री में सेव रहे। अच्छी बात है, ताकि स्टूडेंट्स का रिटर्न प्लान कर सके, ध्यान एक तरफ रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। सो एक और बड़ी बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला है भी जो यूके के पीपल हैं वो हमारी कंट्री में इस साल के एंड तक आ सकेंगे, और जो क्वांटस के सीईओ हैं एलन जोशी उन्होंने बोला कि इस साल के एंड से पहले हम बहुत ही बड़ी बड़ी कंट्रीज में अपना ट्रैवल शुरू कर चुके होंगे। यूएसए यूके को उन्होंने प्रायोरिटी दिया क्योंकि उसमें कोरोना वायरस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुके, वहां लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, 70+ पॉपुलेशन को वैक्सीन दी जा चुकी है। आपसे भी रिक्वेस्ट है आप अपनी वैक्सीन ले लें, जो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप वीडियो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन आपको लेनी चाहिए, और वही वैक्सीन आप लें। क्योंकि अगर उस कंट्री में जाके आपने बोला कि भाई मैंने तो ऐसी देसी वैक्सीन ली है जो कि वहां पे ऑथराइज्ड नहीं है, तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे, आप फिर क्वारंटीन करेंगे, टेस्ट होंगे आपके, फिर से अगर पॉजिटिव आ गए तो फिर से लंबा क्वारंटीन, इतने पैसे अब पैसे ही भरते रह जाएंगे आप और आपकी जेब हो जाएगी खाली। यूएस यूके कनाडा और सिंगापुर ये चार कंट्री हैं जी स्कॉट मॉरिसन की लिस्ट के अंदर हैं, जिनके साथ वो आने वाले टाइम में यानी इस साल से पहले पहले खत्म होने से पहले पहले अपना ट्रैवल शुरू कर सकते हैं ट्रैवल बबल के तहत। और उन्होंने बोला जो मेरे ऑस्ट्रेलियंस को वैक्सीन लग चुकी है वो अब ट्रैवल कर सकेंगे लो रिस्क कंट्रीज के साथ, इसका प्लान वो तैयार कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं जी वो जॉर्ज हंट और फेडरबर्ग के साथ। तो अगर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होगी दूसरी कंट्रीज के अंदर, इंडिया का टाइम भी दूर नहीं कि जब हम भी ट्रैवल कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। आखिरी बात डिस्कस कर लेते हैं जी, स्कॉट मॉरिसन पूरी तरह एक्सपोज्ड हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और वो फिर भी नहीं मानते कि मैं एक्सपोज हुआ हूं, उनकी हर एक स्टेटमेंट जी पिछली स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग होती है। इंटरनेट प्राइम मिनिस्टर रिज्यूम हिज सीट, मेंबर्स ऑन माय राइट, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन विल सीस इंटरजेक्टिंग, द मैनेजर ऑफ ऑपोजिशन बिजनेस ऑन डायरेक्ट रेलेवेंस, द क्वेश्चन आस्क्स द प्राइम मिनिस्टर व्हेदर ही विल टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर हिज ओन वर्ड्स, एंड दैट यू कांट जस्ट फ्लिक पास्ट दैट एंड ट्राई टू से reframe the question, oh, Labor's wanting to criticise someone else. He's the one who said it. The question asks him whether he takes responsibility for it. Yeah, international travel, अब शुरू करेंगे, वो statement बदली, vaccination कोई race नहीं है, चार बार ये statement बदली और... A document with quotes from the 11th of March interview with Today Show by the Prime Minister saying it's not a race. From the 14th of March, doorstop in Castle Hill from the Prime Minister saying it's not a race. And the 31st of March 2021 press conference, Raytheon Australia in Adelaide, saying, and so it's not a race. Is leave granted the Prime Minister? और अब तो ये स्पीकर के आगे भी स्पीकर ने भी इनको बहुत बार टोक दिया और फिर भी नहीं ये मानते, फिर भी मतलब अपनी स्टेटमेंट्स देने से ये नहीं मानते, और अब जब ये स्पीकर के सामने अपना इंटरव्यू देते हैं तो ये बार बार स्पीकर को देखते हैं कहीं उन्हें स्पीकर फिर से ना टोक दे। Victorians wouldn't be locked down today if it wasn't for the Morrison government's failures on vaccines and quarantine. Why has this treasurer refused to provide any additional support to small businesses and workers hardest hit by these failures? What kind of Victorian abandons Victorians in their hour of need? So friends, मैं आपको request करता हूँ और बार-बार आपको मैं बता रहा हूँ कि जो तीन categories मैंने आपको last video में बताई थी कि फुली वैक्सीनेटेड पर्सन, अनवैक्सीनेटेड पर्सन और जिसने एक भी डोज नहीं ली, ये तीन कैटेगरी ऑस्ट्रेलिया में जिक्र बार बार इसका हो रहा है। तो आप अपनी वैक्सीन जल्दी लवा लें ताकि आपको ये दिक्कत फेस करनी ना पड़े जो अभी इस टाइम कनाडा के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। आज वीजा या कल की फ्लाइट है और वैक्सीन की एक डोज लगी और फिर भी क्वारंटीन होना पड़ेगा, जाके पैसे वहां फिर भी भरने हैं। सो आप ताकि इस सारे सिनेरियो से बच सके, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी वैक्सीन ले लें। अगर गवर्नमेंट में आपको वैक्सीन नहीं लग रही है तो आप प्लीज प्राइवेट में जाके लगवा लें ताकि आप जो है जी सारे झंझट से बच सके। सो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत ही अच्छी लगी होगी, इसी साथ ही और इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।